हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक कमेंट और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आज मैं आपके लिए एक वार्डरोब का वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, जरा थोड़ा सा पूरा व्यू ऑफ दिखाइए क्या अलमारी का कि किस तरीके के डिज़ाइन किया है हमने। आप फ्रंट में आप देख सकते हैं फिलहाल, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके का डिज़ाइन किया गया है, क्या कलर है, क्वालिटी क्या है, हार्डवेयर क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्राइस। तो ये सब चीज़ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम इस वार्डरोब के साइज़ की बात करते हैं। इस वार्डरोब का जो साइज़ है, वॉल टू वॉल जो आप देख रहे हो, ये 10.5 फिट है और हाइट में है 9.5 फिट, 8.5 फिट सॉरी। और यहाँ तक जो वार्डरोब का जो सेक्शन है ये वाला, ये 7 फिट है और ऊपर हमने 1.5 फिट का लाफ्ट बनाया है। लाफ्ट है ना, फ्रेम पे नहीं है, ये हमने कैबिनेट के अंदर डिज़ाइन करके इस लॉफ्ट को तैयार किया है। ये पूरा वार्डरोब जो देख रहे हैं, ये एक मॉड्यूलर वार्डरोब है जो हमने अपने वर्कशॉप पर तैयार किया था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके, प्लस क्वालिटी और हार्डवेयर सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके बनाया है, फिर इसको यहाँ पर डिलीवर कराया और 2 से 3 दिन में ये फिटिंग हो गया है। आज ये ऑलमोस्ट इसका फाइनल वीडियो जो हम अभी शूट कर रहे हैं। इसमें जो आप फ्रंट में जो एक कलर देख रहे हो, ये हाई ग्लोसी कलर है। आप लोगों को लग रहा होगा ये एक्रेलिक है, बट ये एक्रेलिक नहीं है, ये यूवी कोटेड है। एक्सेंट ऐसा कंपनी का जो प्री लिमिटेड बोर्ड होता है 18 mm का यूवी कोटेड, उसमें और एक्रेलिक में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। एक्रेलिक थोड़ा कॉस्टली होता है और यूवी थोड़ा कम बजट में होता है, तो बट फिनिशिंग जो है वो थोड़ा 1920 रहती है। यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन किया वो आप ड्रेसिंग देख सकते हैं, 2 कैबिनेट में ऊपर लाइट है, ये पूरा मिरर है और ये मिरर हमने यहाँ पर फ्रेम पे बनाया है। आप देखिए यहाँ पर 3 इंच की फ्रेम है, आप देख सकते हैं उसके अंदर हमने ये कांच को फिटिंग कर दिया है और ये 3 साढ़े 3 इंच का हमने यहाँ पे फ्रेम पैनल करके इसको डिज़ाइन करा। ये पीछे आप कैबिनेट देख सकते हैं जो हमने ड्रेसिंग में बनाया है, प्लस उसके बाद यहाँ पर 3 ड्रावर है। देखिए ड्रावर का साइज़ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और ये जो चैनल है ये हमने यहाँ पर एप्को कंपनी की इस्तेमाल की है 35 लोड कैपेसिटी के हिसाब से। ये सॉफ्ट क्लोज नहीं है, सेल्फ है, बट ये ड्राइवर के साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया है। फिर उसके बाद हमारा आता है ये वार्डरोब। यहाँ पर एक मेल एक फीमेल उस तरीके का डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हैंगर है, यहाँ पे ओवल शेप में आप पाइप देख सकते हैं, ये SS का पाइप है। ये हैंगर की जो हाइट है ये 3.25 फिट है और डेप्थ इसमें 2 फिट रखी है ताकि शोल्डर वगैरह फोल्ड ना हो जब हम यहाँ पर कपड़े हैंग करें, स्पेशल कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह। फिर यहाँ पर हमने 4 ड्रावर दिए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे और बिग साइज में ड्रावर है, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर जो ये हमने नॉब्स इस्तेमाल किए हैं, ये गोल्ड कलर का है हैंडल, अच्छा डिज़ाइन में है, ये भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके बनाया है। और यहाँ पर जो हिंजेस देख रहे हैं ये स्विफ्ट कंपनी के सॉफ्ट क्लोज प्लस SS है, मतलब इसमें रस्टर्ड जंग वगैरह कभी नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर मैं लॉक की बात करूँ तो ये लॉक जो हमने दिया है गोदरेज कंपनी का है, लीवर का, ये गोदरेज का है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर की चाबी है प्लस गोदरेज का लाके, ये पीतल का है, कभी ख़राब नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी है और वैसे भी गोदरेज का नाम चलता ही है। फिर नीचे 2 पार्टीशन है और ये हमारा जो पूरा वार्डरोब है ये पूरा वर्कशॉप पे है। अभी इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, आप देख सकते हैं ये एजेस जो है ना ये कितने सॉफ्ट है, मतलब कभी क्या होता है शार्प एजेस भी होते हैं लेकिन यहाँ पर हमने सॉफ्ट रखे इसको कर्व करके ताकि ये लगे नहीं और ये थोड़ा सा फिनिशिंग में दिखे। और इस सॉफ्ट क्लॉथ कब्जे हमने यहाँ पर इस्तेमाल करें। फिर आ जाता है हमारा फीमेल, मेल फीमेल दोनों। यहाँ पर हैंगर है, इसकी जो हाइट है वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि यहाँ पर लॉन्ग हाइट के जो क्लॉथ है वो इजीली हैंग हो जाए और उसमें फोल्ड होने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर हमने सिंपली 2 ड्राज रखी है, कोई ज़्यादा ड्राज के अंदर कुछ भी नहीं, क्रिएटिवी कुछ भी नहीं है, सिंपल ड्राज है बट स्टोरेज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो ये एज बेंडिंग देख रहे हो ना आप, ये वाइट कलर की इस ये वाली एज बेंडिंग, ये हमने यहाँ पर A3 कंपनी का 100% PVC यूज़ किया है और ये पूरा मशीन से तैयार किया गया था। फिर उसके बाद आता हमारा ये थर्ड लास्ट वाला सिंगल डोर। यहाँ पर भी कॉर्नर था तो यहाँ पर 3 फोल्ड वाले खन हैं, उसके बाद यहाँ पर भी हमने 2 ड्रावर डिज़ाइन किए हैं, सेम पैटर्न में है बस इनका साइज थोड़ा कम है। फिर नीचे 2 सेल्फ है और यहाँ पर भी हमने वही सेम क्वालिटी का गोदरेज पैटर्न पे लाग रखा है
और यहाँ पे अगर मैं हैंडल की बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट हैंडल है, थोड़ा कॉस्टली भी है, ये गोल्ड है। और उसके बाद ये यहाँ पे जो है ये मेट है, लेकिन इस पर कोटेड किया गया है और ये गोल्ड फिनिश में है। हैंडल का बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट होता है अपने वार्डरोब या किसी भी फर्नीचर को लुक वाइज कैटेगरी में डालने के लिए, क्योंकि सुंदरता उसी से बढ़ती है जब हमारा वार्डरोब तनने के बाद उसमें जो हार्डवेयर जो एसेसरीज वगैरह यूज़ की जाती है उसी से ज़्यादा गेटअप आता है। अब सबसे इसके बाद हम ऊपर से बात करते हैं, यहाँ पे लाफ्ट है, इसके अंदर वायरिंग वगैरह है जो हमने इसके अंदर यूज़ करी है। उसके बाद हमारा आता है ये वाला सेक्शन, यहाँ पे फुल स्टोरेज के हिसाब से ये है, मतलब अपने जो ट्रेवल वगैरह के बैग होते हैं या कोई भी और चीज़ रहती है जो बड़ी, वो आपके अंदर इजीली आ जाएगी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सेम पैटर्न है, वही क्वालिटी सेम यहाँ पर भी मेंटेन की गई है जो हमने पूरे वार्डरोब में डिज़ाइन की है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मटेरियल है ये एक्सेंट ऐसा कंपनी का, हमने यहाँ पर प्रीलिमिनेटेड यूवी कोटेड बोर्ड यूज़ किया है 18 mm का। पीछे जितना भी वाइट आप देख रहे थे वो प्रीलिमिनेटेड है, वो भी MDF का है, इसमें माइका वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, फैक्ट्री मेड बोर्ड आता है, उसको मशीन में कस्टमाइज करके बनाया जाता है, डिज़ाइन करके और क्रिएट करके बना दिया जाता है। और साथ में हमने एक ये सिंपल सा सादा सा एक स्टूल दिया है ड्रेसिंग को यूज़ करने के लिए, जो हमारे यहाँ पर गेटअप बना रहेगा ताकि मेकअप करते हुए या कोई भी चीज़ रिफ्लेक्शन है वो भी अच्छा तरीके से दिखे और इजी टू मेंट, मतलब अपन उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये सारा ध्यान में रखते हुए पूरा प्रॉपर डिज़ाइन करके बना गया है। हार्डवेयर की बात होगी, क्वालिटी बात होगी, मटेरियल वगैरह। अगर आप भी इसी टाइप का एक वार्डरोब डिज़ाइन करवाना चाहते हैं ऑल ओवर MP में कहीं से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करिए, हमारी सर्विस ऑल ओवर MP में अवेलेबल है। और ये जो वार्डरोब है ये आप देख सकते हैं इंदौर में CHL हॉस्पिटल के पास स्कीम नंबर 114 में, यहाँ पर ये हमने डिज़ाइन किया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।